हेलो। तो अब 2021 के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नीचे आइए, क्वेश्चन नंबर 23। मैक्सिमाइज करना है एलपीपी, आपके पास गिवन है। मैक्सिमाइज द प्रॉब्लम, मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू 2 ऑफ x1 प्लस 3 ऑफ x2, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या क्या है? 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6, -x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, और x1 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 3, एंड x1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन 0। ओके, देन फाइंड वैल्यू ऑफ डुअल ऑफ पी। सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन राइट सम इम्पोर्टेंट थ्योरम। So if the primal LPP has unbounded objective function, then dual corresponding to this LPP, मतलब dual of जो इसका dual निकालेंगे ना, dual of primal, तो वो नो फिजिबल सॉल्यूशन देगा। yes, is infeasible। अगर अनबाउंडेड सॉल्यूशन है ना उसके पास, अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ड्यूअल का आएगा वो क्या आएगा सॉल्यूशन? इनफिजिबल। इनफिजिबल का मतलब क्या है? नो फिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल का मतलब क्या है? नो फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब उसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? फिजिबल सॉल्यूशन इसका मतलब बगल में लिख लीजिएगा, सेटिस्फाई सेटिस्फाई कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, एंड नॉन नेगेटिव जो सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन सेटिस्फाई कॉन्स्टेंट एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये है फिजिबल। नो फिजिबल तो का वही मतलब ना, क्या होगा? तो उसमें सर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यस, मतलब लेकिन सारे एक्साइज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए, जो भी सॉल्यूशन आएंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए, ठीक है। सर हाँ, नॉन के बाद क्या लिखा है सर? नो सर हमने नो फिजिबल, फिजिबल लिख दिया। नॉन सर, नॉन एंड नॉन के बाद नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, मतलब एक्साइज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जो सॉल्यू, ये फिजिबल के लिए लिखा ना सर आपने? हाँ ये फिजिबल का मतलब लिखा हूं मैं। बाकी इसके पास तो, अगर डुअल, अगर प्राइमल के पास अगर अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो उसका डुअल क्या होगा? डुअल का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? डुअल ऑफ प्राइमल ही इनफिजिबल, मतलब फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब सॉल्यूशन ही नहीं होगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि सर हम लोग यहाँ पे, आपने हेडिंग में नो फिजिबल लिखा है। नो तो इनफिजिबल लिख लीजिए ना, या नो फिजिबल लिख लीजिए, और हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन की बात करते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन की ही बात करते हैं। इसीलिए इसका जब अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा प्राइमल में, तो क्या होगा? ड्यूअल का सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। कैसा सॉल्यूशन की बात करते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन की बात करते हैं। सो ऐसा इस केस में क्या होगा? सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाला थ्योरम। सर अनबाउंडेड का बताना है सर, अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे? अनबाउंडेड डिजन आता है ना, तुम देखे होगे ना, अनबाउंडेड डिजन आ जाए तो, यस अनबाउंडेड सर, डिजन अगर आ गया प्राइमल के पास, तो ड्यूअल के पास कभी भी फिजिबल नहीं होगा, ये याद रखना, इनफिजिबल हो जाएगा। मतलब मान लो, अगर प्राइमल का जब तुमने ग्राफ बनाया, तो मान लो दो ग्राफ ऐसे बन रहे होंगे, ठीक, ऐसे बन रहे होंगे, अनबाउंडेड ऐसे हो गया ना सर, आप ऐसे एक बन रहे लाइन होंगे, ऊपर करो। मान लो कि ये जो जो रीजन आ रहा होगा वो ये वाला रीजन आ रहा होगा, ऊपर वाला पोर्शन, ये यस वाला सर पोर्शन, ऊपर वाला, यस तो ये यस सर, बाउंडेड अनबाउंडेड हो है गया। ना, ये अनबाउंडेड है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉल्यूशन इसके पास हो, नहीं हो सकता है। यस अगर सर होता मिनिमम है। वाला हो गया, यस मिनिमम सर, जेड वाला केस हो गया मान लो, तो ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि इधर जाओगे तो और, मतलब मैक्सिमम वाला मान लो, ठीक है, तो इधर जाओगे तो और बड़ा हो सकता है, तो अगर इस वैल्यू में मिनिमम मिल रहा है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अनबाउंडेड के भी केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, तो उस वाले केस में बोल रहा हूँ कि अगर प्राइमल का सॉल्यूशन, अगर प्राइमल का अगर फिगर अनबाउंडेड वाले में सॉल्यूशन मिल गया ना, तब पक्का है कि क्या होगा, फिजिबल के पास सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, इनफिजिबल हो जाएगा, फिजिबल रीजन ही नहीं मिलेगा। फिजिबल रीजन मिलने का मतलब क्या है? दोनों लाइन, ओके जितने भी लाइंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, कहीं पे कॉन्साइड नहीं करेंगे, मतलब कट नहीं करेंगे,
तो मुझे फिजिबल रीजन मान नहीं मिलेगा, है ना, तो सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके फिजिबिलिटी का मतलब, फिजिबिलिटी का मतलब यही है कि कभी जो भी कांस्टेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, कोई कॉमन रीजन ना मिले। जैसे यहाँ पे तो देखो रीजन मिल गया, रीजन मिलना इंपॉर्टेंट है, तो ये हो गया रीजन तो है एटलीस्ट, ठीक है। तो इनफिजिबल का मतलब है कि वो एक रीजन नहीं मिलेगा, कॉमन रीजन, है ना, उस केस में इनफिजिबल बोलते हैं, मतलब उस केस में सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर, ये अब सॉल्यूशन थर्ड क्वार्टेट में भी तो नहीं रख सकते हैं? जैसे अभी आपने दो पैरेलल लाइन खींची तो ये रख तो सकता है, मैं तो कब बोल रहा हूँ, बट कॉमन रीजन तो मिलनी चाहिए ना। मान लो अगर आपने ऐसा लिखा, मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, मान लो कि ये वाला पोर्स, ये वाला है जो ऊपर जा रहा है इधर की तरफ जा रहा है, ये वाला इधर की तरफ जा रहा है, कहाँ कॉमन रीजन कभी मिल पाएगा कॉमन रीजन है? नहीं, ये तो बात आप बताओ, मान लो अगर इनसाइड भी अगर जा रहा है इधर ओरिजिन की भी तरफ टुवार्ड्स, ये वाला भी और ये वाला भी, तो मुझे बताओ ये दोनों कर्व कहीं पे कट करेंगे, एक रीजन मुझे मिल पाएगा? नहीं मिल नहीं पाएगा सर, ना, इन्फिनिटी पे जाके कट करेंगे अगर पैरेलल है तो फिर वो इन्फिनिटी वाला तो कोई चीज ही नहीं, हम लोग तो आर पे है अभी, तो उस केस में हम लोग को फिजिबल रीजन ही मिल यदि पाएगा। यदि ये दोनों ओके लाइन है थर्ड क्वाड्रेंट में करें तो हम ये तो बोल सकते हैं कि इसके पास सॉल्यूशन है। हाँ, आप फिजिबिलिटी को देखना पड़ेगा ना, फिजिबल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए सब चीज। हाँ, इसके पास सॉल्यूशन तो होगा। ये आपने बोला है सॉल्यूशन डज नॉट एक्जिस्ट। सॉल्यूशन मैं इसीलिए तो बगल में लिखा हूं कि हम लोग सॉल्यूशन की किसकी बात करते हैं, सॉल्यूशन की हम ओनली लोग फॉर फिजिबल फिजिबल। सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसीलिए मैंने बोला, मैंने सॉल्यूशन, मैंने इसीलिए मैं जब रिपीट कर रहा था तो ये बोल दिया था कि फिजिबल सॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे। अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हो सकता है सॉल्यूशन हो, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है। अगर दो एक x1 + 2x2 लिख दिया मैंने = 5, और समथिंग x1 + 2x2 = 10 लिख दिया, ये दोनों का निकालना फिजिबल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना, दोनों निकलेगा पैरेलल सर, लाइन जैसे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए। ठीक है। बट इसके पास ऐसा तो नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, बट फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, क्यों? क्योंकि अब ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, एक लाइन का कैसा बनेगा बताओ, सर पैरेलल एक है लाइन ना, तो बनेगा ये वाला और एक लाइन तो बनेगा ऊपर में ऐसा वाला, है ना, तो बताओ मुझे कि ये कहीं पे कट करेंगे एक दूसरे को? नहीं कट नो सर। करेंगे ना, फिजिबल रीजन नहीं मिल पाएगा। तो सॉल्यूशन तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, सॉल्यूशन तो है, आप लोग होमोजीनियस सिस्टम पढ़े होगे ना, 1 1 1 1 5 10, बताओ सॉल्यूशन है कि नहीं? 0 0, अच्छा सॉल्यूशन ही नहीं है इसके पास तो। पैरेलल लाइन होगी ना सर, पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन। यस, तो नो सॉल्यूशन, ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूशन हो बट फिजिबल की बात करेंगे ना, फिजिबल नहीं है। दूसरा कुछ और एग्जांपल कंसीडर करना पड़ेगा जिसमें होता है सॉल्यूशन बट फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। इस तरह की लाइन ले लेंगे जो हमारी इसमें थर्ड क्वाड्रेंट या सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट। कट कर रही होगी, है ना, यस मान लो सर, ऐसा लाइन ले लेंगे जो सेकेंड क्वाड्रेंट में कट कर रही होगी, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कट कर रही है इसका मतलब क्या है कि नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। मान लो ऐसा लाइन यहाँ पे ले लिया, एक ऐसा लाइन ले लिया, समथिंग ऐसा लाइन ले लिया ऐसा, है ना, तो मान लो ये यस वाला यहाँ पे रीजन बन गया ये वाला, बट ये वाला रीजन तो सॉल्यूशन नहीं देगा ना, क्यों? फिजिबल क्योंकि सॉल्यूशन नहीं देंगे जो सर। भी सॉल्यूशन मिलेगा वो नॉन नेगेटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब सारे जो एक्साइज होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होंगे, सो यस ये वाला हम लोग नहीं लेके चलेंगे। हाँ नीरा जी सर, पूछिए। सर मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जैसे कि किसी का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मतलब फिजिबल रीजन नहीं है तो ही बोलेंगे ना कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्या ऐसा केस हाँ, है? यहाँ पे एलपीपी में, चूंकि एलपीपी में जो भी कंडीशन लेते हैं उसमें लास्ट में सारे एक्साइज को क्या लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, तो वहां पे फिजिबल सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इन जनरल अगर इक्वेशन है ना कोई, ठीक है, तब अगर पूछा कि इसके पास सॉल्यूशन है कि नहीं, तब तो आप लीनियर अलजेब्रा वाले मेथड से दिखाओगे, बाकी अगर फिजिबल सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि नहीं है सॉल्यूशन इसके पास। वही डाउट था कि मतलब फिजिबल रीजन डज नहीं है तो नहीं बोलेंगे ना कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा करके। हाँ और ऐसा केस तो नहीं हाँ बनता नहीं सर जहाँ पर सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो, फिजिबल रीजन के अलावा तो दूसरा नहीं है सर। नहीं, एलपीपी में नहीं है यहाँ पे। हाँ कौन पूछिए।
आपने ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, सेटिस्फाई कंस्ट्रेंट एंड नॉन नेगेटिव? मैंने फिजिबल फिजिबल का मतलब बताया है कि जो भी सॉल्यूशन आएगा वो सेटिस्फाई करेगा कांस्टेंट को, जो कांस्टेंट गिवन रहते हैं उसको, और किसको करेगा, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को, मतलब एक्स साइज जो होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे, वो लिखा है। फिजिबल का मतलब है वो, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम हो गया, सेकंड थ्योरम लिखिएगा। सर फिर यहाँ सर ये नो फिजिबल आ जाइए ना सर, नो तो नहीं आएगा ना सर। नो फिजिबल या इनफिजिबल लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। नो फिजिबल सॉल्यूशन या इनफिजिबल दोनों एक ही है। हो ठीक है गया, सेकेंड थ्योरम। अच्छा, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स नॉट ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स क्या हो जाएगा इसका बताओ। कन्वर्स क्या होगा, अगर नो फिजिबल सॉल्यूशन तो नॉन ये अगर नेगेटिव फिजिकल सोल्यूशन नहीं है या प्राइमरी के नो पास तो फिजिबल भी आ ड्यूअल सकते हैं। का ऐसा नहीं बोल सकते कि अनबाउंडेड होगा, तो कुछ भी आ सकता है इसमें से, अनबाउंडेड भी या फिर मतलब अगर फिजिबल भी इनफिजिबल हो सकता है। हुआ, अगर ड्यूअल इनफिजिबल हुआ तो वो इम्प्लाई नहीं करेगा कि वो अनबाउंडेड है कि नहीं है, ठीक है। मतलब क्या, सर आइदर अनबाउंडेड और नॉन फिजिबल हो सकता है। यस, मतलब ये है कि अगर ड्यूअल के पास अगर इनफिजिबल मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो जो क्या बोलते हैं जो प्राइमल के पास होगा उसके कि पास हमेशा अनबाउंडेड ही अनबाउंडेड होगा। ही मिलेगा, यस सर हाँ, ऐसा ऐसा भी हो नहीं सकता है होगा। कि प्राइमल के पास भी इनफिजिबल मिल जाए, प्राइमल के पास भी यस इनफिजिबल सर मिलेगा तो ड्यूअल में भी क्या होगा, इनफिजिबल ही होगा, वो भी लिखा इनफिजिबल होगा भी, आगे, ठीक है, वो अभी यस आगे लिखा सर होगा। सो इफ अ प्राइमल एपीपी हैज अ फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे फिजिबल रीजन भी है और फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी है, फिजिबल रीजन भी है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी है, तो देन डुअल के पास भी क्या होगा, सेम होगा, देन डुअल आल्सो हैव, देन डुअल हैज आल्सो आल्सो फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और याद करो वीक डुअलिटी थ्योरम मैंने लिखाया था, तो उसमें क्या लिखाया था सबसे लास्ट वाला में, कि अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है तो दोनों को ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होते हैं, सीजे एक्स ट्रांसपोज इक्वल एक्स टू, इधर क्या यूज किया इक्वल था, मतलब जो इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं दैट मींस जेड जेड ऑफ एक्स इक्वल टू जेड ऑफ डब्ल्यू, दोनों के ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। टू सेम होते हैं, वीक डुअलिटी थ्योरम में लिखा है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। अगर यस फिजिबल सर रीजन भी मिला और अगर फिजिबल सॉल्यूशन मिला और वो भी ऑप्टिमल ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही मिल रहा है, ठीक है, फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है, तो दोनों के क्या होंगे, ड्यूअल के पास भी फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा और वो भी ऑप्टिमल होगा और दोनों के वैल्यू भी क्या होंगे, इक्वली होंगे, ठीक है। तो जब बाउंडेड रीजन मिल रहा हो और ओके फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा हो प्राइमल के पास में, तो ड्यूअल निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि क्या है इस नो वाले सर, थ्योरम वही से सेम आ जाएगा, वही सेम आ सेम आ जाएगा इस वाले जाएगा, थ्योरम यस से, है सर। ना। ओके, और थर्ड वाले में लिखिएगा, और कौन कौन सा केस बता, प्राइमल के पास और क्या हो सकता है, इनफिजिबल हो सकता है ना, इफ प्राइमल हैज इनफिजिबल तो ड्यूअल के पास क्या बोल सकते हो। हेलो सर, हाँ, सर एक ही इफ एंड ऑनली होती है सर। यस, सेकेंड स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ होगा, ये स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ होगा। अगर प्राइम ड्यूअल के पास भी अगर फाइनाइट है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो प्राइमल के ही पास होगा, और प्राइमल के पास है तो डुअल के ही पास होगा, ये इफ एंड ओनली। सो इफ प्राइमल हैज इनफिजिबल सॉल्यूशन देन डुअल हैज आल्सो, क्या बोल सकते हो, देन डुअल के पास क्या, आइदर अनबाउंडेड और नॉन यस, फिजिबल, डुअल हैज आइदर, दो केस होगा, हैज आइदर और अनबाउंडेड इनफिजिबल। और इनफिजिबल। So, इसीलिए फर्स्ट वाला का कन्वर्स ट्रू नहीं था, कि प्राइमल के पास अगर ड्यूअल के पास इनफिजिबल हो गया
तो प्राइमल के पास इनफिजिबल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अनबाउंडेड ही रहे। फर्स्ट वाला कन्वर्स सही बोल रहा था ना कि अगर डुअल के पास इनफिजिबल है तो इससे क्या होना चाहिए, प्राइमल के पास अनबाउंडेड होना चाहिए। नहीं, वो ऑलवेज ट्रू नहीं है। क्या अगर डुअल के पास इनफिजिबल है तो हो सकता है कि प्राइमल के पास इनफिजिबल होने के कारण हो रहा हो, है ना? यस क्योंकि प्राइमल के पास इनफिजिबल है तो दो केस पॉसिबल है डुअल के पास, या आइदर अनबाउंडेड और इनफिजिबल। यस सर तीसरा, आप लोगों को कीप इन माइंड, सर हाँ इसे ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि यदि प्राइमल हमारा अनबाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि डुअल अनबाउंडेड हो, तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं ना, ऐसा भी नहीं, कह प्राइमल सकते के पास अगर अनबाउंडेड है तो डुअल के पास पक्का इनफिजिबल होगा फर्स्ट वाले से, है ना? हैं। वो अनबाउंडेड हो जरूरी तो नहीं है ना, मतलब दोनों ही अनबाउंडेड प्राइमल डुअल किस मतलब वाले ऐसे केस में प्राइमल क्या होगा आगे ये बताइए। मतलब क्या प्राइमल और डुअल दोनों एक साथ अनबाउंडेड हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। अभी तो मैंने बताया कि अगर प्राइमल अनबाउंडेड है तो डुअल पक्का है कि इनफिजिबल होगा, हाँ वही तो चीज कह अनबाउंडेड, रहे, नहीं हो हाँ तो सकते हैं। अनबाउंडेड एक साथ कैसे हो सकते हैं बताओ, अनबाउंडेड एक साथ पॉसिबल ही नहीं है। अब बताओ, अगर डुअल अनबाउंडेड हो गया तो प्राइमल को क्या क्या बोल सकते हो, कौन बताएगा मुझे ये वाला बात? अगर डुअल अनबाउंडेड हो गया तो प्राइमल की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? कोई नहीं, हनुमान जी, इनफिजिबल सर, इनफिजिबल हो गई ना बस, उसके पास पॉसिबिलिटी तो मुझे ये बताओ कि आप लोग जानते तो बोलते क्यों नहीं हो हनुमान जी? क्या है ये, क्वेश्चन पूछने समय बोलते हो बस, जानते नहीं। हो तो मेरा बोल। एक्चुअल ना ना मेरा एक्चुअल रिजल्ट नहीं पढ़ा हुआ था। यदि प्राइमल इनफिजिबल है तो फिर इसका ड्यूल होगा जो अनबाउंडेड और इनफिजिबल होगा, या तो फिर अनबाउंडेड या इनफिजिबल। आपने क्वेश्चन उल्टा पूछा कि मतलब ये अनबाउंडेड है तो क्या ये कैसे हो गया, मैंने कहा डाउट तो था। अभी जो देखो, जैसे अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर डुअल, ओके, सर ऐसे होता है ना कि अगर हमारे पास प्राइमल अनबाउंडेड है तो उसका जो ड्यूअल होगा वो इनफिजिबल होगा, है ना। अगर ड्यूअल हाँ अनबाउंडेड है तो उसका जो प्राइमल है वो इनफिजिबल होगा। एक सेकेंड रुको, मैं अभी तुरंत कंक्लूड कर देता हूँ। देखो ये तो पक्का है ना, आप लोग अभी देख के आए हो सब, कि अगर प्राइमल जो है वो क्या है, अगर प्राइमल जो है अगर वो अनबाउंडेड है ना, तो ये पक्का है, ये डायरेक्ट इम्प्लाई करेगा क्या कि ड्यूअल क्या है, इसके ड्यूअल इनफिजिबल होगा, इनफिजिबल है इनफिजिबल ना? यस सर। अगर अब इसी का कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बता सकते हो क्या? ड्यूअल हमारे पास अनबाउंडेड है तो प्राइमल इसका इनफिजिबल होगा, ऐसे ना सर। कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है? इसका ऐसा होगा यदि ड्यूअल फिजिबल है तो फिर इसका प्राइमल अनबाउंडेड नहीं होगा, कंट्रा बाउंडेड होगा। कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है? सर यदि प्राइमल प्रॉब्लम हमारा मतलब पी इम्प्लाई क्यू, तो इसका कंट्रा तो पॉजिटिव क्या नॉट होता है, क्यू कौन बताएगा? नहीं नॉट क्यू, क्यों नॉट इम्प्लाई पी, नॉट नॉट क्यू इम्प्लाई नॉट पी, इम्प्लाई तो यही चीज बताना है ना कि अगर नॉट इनफिजिबल, नॉट इनफिजिबल हुआ तो क्या इम्प्लाई करेगा, बाउंडेड? हाँ नॉट बाउंडेड है ना, नॉट नॉट बाउंडेड अनबाउंडेड मतलब बाउंडेड, ठीक है? तो वो तो फर्स्ट सेकेंड थ्योरम बता ही दिया है वो, ठीक है? लेकिन हम ये चीज बोलना चाह रहे हैं कि देखो, अगर आप लोग बोल रहे हो कि ड्यूअल, अगर ड्यूअल क्या हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए, ठीक है, अनबाउंडेड हो जाए ड्यूअल, तो मैंने यही क्वेश्चन पूछा था। अब देखो, अगर ड्यूअल अनबाउंडेड है तो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर सकते हो, प्राइमल क्या होगा? अगर तो प्राइमल के पास दो इनफिजिबल। ही है ना, प्राइमल के पास दो ही कैसे, क्योंकि फिजिबल वाले केस में तो देखे हो कि इफ एंड ओनली इफ है सेकेंड स्टेटमेंट, तो फिजिबल तो हो नहीं सकता है ना, सेकेंड वाला देखे हो ना, तो फिजिबल तो हो नहीं सकता है, तो क्या होगा, एक तो अनबाउंडेड होगा, हो सकता है, या तो इनफिजिबल हो सकता है। अब मुझे बताओ, अगर अनबाउंडेड हो गया प्राइमल, सर प्राइमल अगर अनबाउंडेड हो गया तो फिर ड्यूअल वो क्या होना पड़ता है, इनफिजिबल, अभी देखा है ना मैंने, तो ये अनबाउंडेड वाला केस तो हो ही नहीं सकता है ना? तो कौन वही सा वाला तो सर केस बोल बचा, रही हूँ ना ओनली कि अगर हमारे ड्यूअल पास केस बचा। प्राइम
प्राइमल अनबाउंडेड है तो इनफिजिबल ड्यूअल होगा, जस्ट इसका उल्टा ही ऐसा है, ड्यूअल अनबाउंडेड है तो प्राइमल इसका इनफिजिबल यस है। बस बस यही चीज समझना था। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं ना है अब? नो सर। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन मुझे बताएंगे अभी कोई। अगर ड्यूअल मान लो इनफिजिबल है तो प्राइमल के पास पॉसिबल, हाथ उठाएंगे, तो प्राइमल के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, जितने लोगों को पता है वो हाथ उठाएंगे। थर्टीन लोग है, ट्वेल्व का हाथ उठना चाहिए। फोर, थ्री, घट रहा है ये तो। मतलब ओनली फोर, फाइव। दीप्ति जी, ज्योति जी, तीरा जी, प्रियांशु जी, क्या आप लोग नहीं पता है? नहीं सर। नहीं, ओके ठीक है, पांच लोगों को पता है। हाँ प्रियांशु बोलो। बोलिए सर। उसमें फिर अनबाउंडेड हो सकता है। अगर ड्यूअल इनविजिबल है तो प्राइमल क्या क्या हो सकता है? अनबाउंडेड हो सकता है सर। अनबाउंडेड इनविजिबल दो कैसे? इतना क्यों दीप्ति जी, क्यों 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 हाथ नहीं उठा? क्या इसमें क्या डाउट है बताओ? अभी तो मैंने बताया ना कि ड्यूअल अगर इनफिजिबल है तो वो कब कब कैसे पॉसिबल है? एक तो अनबाउंडेड, और जब ये प्राइमल इनफिजिबल हो जाए तो ड्यूअल की दो पॉसिबिलिटी बताई ना, या तो अनबाउंडेड या तो इनफिजिबल। तो मैंने ड्यूअल तो इनफिजिबल बोल ही रहा हूँ, तो प्राइमल की दो पॉसिबिलिटी है ना। यस सर। सर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ना, अगर प्राइमल हमारा इनफिजिबल होगा तो ड्यूअल तो इनफिजिबल होगा ही। हाँ ज्योति जी, क्या समझ नहीं आता है प्राइमल ड्यूअल? इसमें मैंने क्या समझाया है? कौन सा थ्योरम नहीं समझ में आया आपको, ये बताइए। सर समझ में तो आया सर, मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गई मैंने। नहीं कंफ्यूज नहीं होना है, अभी देखो तीन ही थ्योरम बताया है, तीनों को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, और जहां पे नहीं समझ में आएगा तुरंत टोकिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है हर बार। ठीक, ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट वाला थ्योरम अभी थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, सेकेंड वाला आगे बता रहा हूँ। सेकेंड वाला में मैंने क्या बताया कि अगर फिजिबल है ना, फिजिबल रीजन है और इसके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी है, ठीक है, ऑप्टिमल है मतलब बाउंडेड है, सब चीज है मतलब फुलफिल है, तो इस वाले केस में क्या इंप्लाई करता है, दोनों साइड से इंप्लाई करता है क्या कि ड्यूअल के ही पास सेम होगा, है ना। ड्यूअल के ही पास क्या होगा, फिजिबल ही होगा, है ना, और क्या होगा प्लस ऑप्टिमल ही होगा, और इनफैक्ट क्या होते हैं, दोनों वैल्यू इक्वली होते हैं, जो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो वैल्यू होते हैं दोनों इक्वली होते हैं। ये वाला केस तो इफ एंड ओनली इफ है। अगर ड्यूअल के पास भी अगर ऐसा है कि बाउंडेड सॉल्यूशन है और फिजिबल है, ऑप्टिमल भी है, तो प्राइमल के ही पास होगा, या तो प्राइमल देख लो और या तो ड्यूअल के ही पास सेम होगा, इफ एंड ओनली, और दोनों की भी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू वो दोनों सेम होगी। तो ये वाला हमेशा माइंड में रखना है। ठीक, फर्स्ट वाला मैं ये बताया था कि अगर प्राइमल के पास क्या हो जाए, अगर प्राइमल के पास, याद रखो प्राइमल के पास तीन ही पॉसिबिलिटी, या तो फिजिबल बाउंडेड वाला, या तो अनबाउंडेड, या तो इनफिजिबल, तीन ही है ना। तो वही तीन केस डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट केस तो डिस्कस हो गया, सेकंड केस में क्या हो सकता है कि प्राइमल के पास अनबाउंडेड रीजन आ सकता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ सकता है। तो इस वाले अनबाउंडेड वाले पास ये याद रखना आपको, अगर अनबाउंडेड हो गया ना प्राइमल के पास, तो पक्का है कि ड्यूअल के पास कैसा होगा, ड्यूअल हैज इनफिजिबल होगा ही नहीं, कुछ सॉल्यूशन ही नहीं होगा, इनफिजिबल होगा। yes, ठीक है, तो बस अनबाउंडेड इंप्लाई इनफिजिबल, ये याद रखना है बस आपको। ठीक, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स नॉट ट्रू, ये याद रखना है। अब आपके पास तीसरा केस कौन सा बचता है कि प्राइमल कैसा हो जाए, इनफिजिबल, प्राइमल कैसा हो जाए, इनफिजिबल हो जाए। ठीक है,
तो बस इसमें याद रखना है कि डुअल तो वहां दो हो केस सकता है, बनेंगे सर, डुअल हो सकता है कि इनफिजिबल भी हो, और ठीक या है, डुअल हो सकता है अनबाउंडेड, इनफिजिबल भी हो, या तो हो सकता या है अनबाउंडेड, अनबाउंडेड हो, यस सर। बस। अब देखो अनबाउंडेड क्यों, देखो ये वाला जो फर्स्ट यहाँ पे ये वाला बताया है, इसका कन्वर्स में क्या बोलता है, अगर डुअल इनफिजिबल हुआ तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग प्राइमल अनबाउंडेड होगा? नहीं ना, देखो ना, डुअल अगर इनफिजिबल हो गया तो हो सकता है ना कि प्राइमल इनफिजिबल भी हो जाए या तो अनबाउंडेड भी हो जाए, है ना, क्योंकि डुअल इनफिजिबल तो दो केस में है, जब प्राइमल अनबाउंडेड भी है या तो प्राइमल इनफिजिबल भी है, ठीक है, वही तो मैंने बताया था, अब नहीं होगा ना हाँ कंफ्यूजन? सर, नहीं हाँ एकदम नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड, होगा सर, स्टेटमेंट नेगेशन बेस्ड पूछा हुआ है एग्जाम में 2-3 बार। हाँ बोलिए, सर, नेगेशन से देना। नेगेशन तो सबका देख सकते हो ना आप, ओके सर, तो आप देखिएगा क्वेश्चन उठा के एलपीपी का 2017-18 में डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ये वाला पूछा हुआ है, ठीक, तो वहां पे आप लोग कर सकते हैं। सो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं 2021 वाला, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द डुअल ऑफ पी। अगर हम लोग ये देख लें कि जो प्राइमल का सॉल्यूशन है वो कैसा नेचर का है, जो प्राइमल का सॉल्यूशन, ये यस प्राइमल है सर, ना, ये प्राइमल है ना, अगर मैं यस प्राइमल को सर, ही ड्रॉ कर लूँ, टू वेरिएबल में तो ग्राफ इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, अगर मैं बना प्राइमल को सकते ही हैं, देख यस लूँ सर, कि अगर ये फाइनाइट प्लस फिजिबल रीजन अगर हो रहा होगा, फिजिबल फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहे ऑप्टिमल होंगे, सॉल्यूशंस आ जाइए सर, अगर वो फिजिबल सेम सॉल्यूशन होगा हो रहे होंगे वो। तो जो डुअल निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो जेड एक्स की वैल्यू होती है वो सेकेंड थ्योरम से, वो जेड डब्ल्यू की भी होती है ना, डुअल की भी सेम होती है, तो मैं सबसे पहले प्राइमल को बना के देखूंगा कैसा है, तो प्राइमल कैसा कैसा है बताइए, 2x + x2 = 6, तो ग्राफ बनाइए, फर्स्ट कॉन्स्टेंट क्या है, सर 0 से 6 और 3 0, और एक पॉइंट आ गया फर्स्ट इक्वेशन का, 0 6 टू 3 0, एक्स वन एक्स ये बताइए ना कांस्टेंट क्या है, 2x1 +x2 = 6। x2 = 6, ओके, तो यहां से क्या बन गया, यहां से क्या सर बताया जीरो आपने, सिक्स थ्री जीरो 0 6, मान लो 0 6 यहाँ पे है समथिंग, और यहाँ पे 3 0 यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला लाइन क्या बन गया, ये वाला, ओके, ये किधर होगा, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ये लेस देन है ना, जीरो यस जीरो सर, सेटिस्फाई कर रहा है, नीचे नीचे ओरिजिन की नीचे, तरफ आएगा ये, ओके, अब देखिए दूसरा, दूसरा क्या था, माइनस एक्स वन -x1 प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, +x2 वन, गिवन, वन तो ये वाला क्या सर, वन बनेगा, इसका आगे जीरो सर कॉमा जीरो वन वन 0 1 और जीरो वन माइनस और वन माइनस जीरो वन जीरो ओके, ये भी ओरिजिन की तरफ आएगा, तो हमको नॉट, हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन पे इंटरेस्टेड है ना, तो इधर वाला पार्ट तो लेंगे नहीं, इधर वाला लेंगे बस, तीसरा कांस्टेंट क्या है, तीसरा है x1 + x2 = 3, यहाँ पे कौन सा था, 3 ही था ना, ये यस तो सर, 3 0 था ना, और यस यहाँ पे सर, थ्री जीरो जीरो सिक्स था था, और यस सर, यहाँ पे था 0 कॉमा 1, तो यहाँ पे समथिंग 3 होगा, तो ये वाला लाइन कैसे होगा, नीचे ऐसे को लीजिए, जीरो पर कट करनी चाहिए, सही है ठीक है ना। अब मुझे बताओ बाउंडेड डिजाइन कौन सा मिल गया, मिल गया ना बाउंडेड, ये भी ओरिजिन की तरफ ही आ रहा है, ठीक है, इधर आ रहा है, देखो तीनों का इंटरसेक्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन है ना, ये मिल गया, तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से मिले, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट निकाल लो, ये किसका इंटरसेक्शन है, ये एक इसका इंटरसेक्शन है, और x1 + x3 इज लेस देन इक्वल टू 3 का इंटरसेक्शन है, तो यहाँ से x1 x2 क्या निकला बताओ, ये दोनों कट करो, 2x1 = 4, 2x2 = 4, तो x2 = 2, x2 = 2 निकल गया, और x1 = क्या निकल गया, 2 1, तो ये वाला पॉइंट क्या है, 1 2, तो बताओ मैक्सिमम ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ जेड एक्स, क्योंकि फाइनाइट देखो क्या मिला है यहाँ पे, ये फिजिबल रीजन मिला है ना, तो जो फिजिबल सोल्यूशन आएगा, तो जो फिजिबल सॉल्यूशन प्राइमल का होगा भाई, सेकेंड थ्योरम, वो डुअल का भी सेम होगा, सो जेड एक्स बताओ मुझे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, चारों पॉइंट को रखो किसमें मैक्सिमम हो रहा है, ये को 0 0 है,
ये 3 0 है, 3 0 पे क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन 2x1 + 3x2 था ना, 2x1 + 3x2। तो 0 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 3 0 रखोगे तो 6 आ जाएगा, 1 2 रखोगे तो कितना आएगा? 8, और 1 0 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा। तो कौन सा वैल्यू होगा? 8 ये होगा। तो जेड एक्स 8 आ गया, तो डब्ल्यू एक्स भी कितना होगा? जेड डब्ल्यू भी कितना होगा? 8 ही होगा, क्योंकि ये तो फिजिबल है, फिजिबल सोल्यूशन है। फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। यस, फिजिबल ऑप्टिमल है, तो ड्यूअल के पास इतना ही होगा। सो जेड डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। किसी को डाउट है? क्लियर सर। बोलिए। सर जो ये लाइन एक्स्ट्रा बनी से रेडेंट लाइन बोलेंगे ना, हाँ, रिडेंडेंट इसको हम रिमूव कर देंगे तो, लाइन। यस सर, इसको को रिमूव कर देंगे तो कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। ये सर उसको जो हाँ, रिमूव कर देते हैं सर उसको बोलते हैं, ये कितना यूज नहीं है इसका। ठीक है, बाद में बताएंगे उसको, उसका यूज नहीं होगा यहाँ पे अभी। ओके, 22 नंबर, 24 देखिए अब। सो अभी तक बोरिंग फील नहीं हो रहा है ना? नो सर, नो सर। तो बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं आया था, ये भी इजी था। ट्रांसपोर्टेशन वाला भी जितना प्रॉब्लम कराया वो भी इजी था। तो ऐसा नहीं है कि एलपीपी क्वेश्चन हार्ड आते हैं, बस थोड़ा ट्रिकी आते हैं, ट्रिक को समझना है आपको। आगे चलिए 24 पे। यस सर।